नमस्कार। अक्षय कुमार की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी। अभी रिसेंटली कुछ फिल्मों को आपने देखा ही होगा, उनका क्या हाल रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि भाई साहब ने तिरंगा साइन कर लिया है, तिरंगा का जो सीक्वल है ना उसमें काम करने वाले हैं वो। आज उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा है, NH स्टूडियो है प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने तिरंगा के राइट्स ले लिए मेहुल कुमार से, जो पुरानी वाली फिल्म थी तिरंगा उसके डायरेक्टर से। हुआ ये कि मेकर्स को लगा कि ये सब्जेक्ट बहुत मासी है, उन्होंने ये बोला कि भैया हमें ऐसा सब्जेक्ट लगाइए कि ये अभी भी चल सकता है, मास ऑडियंस को अभी भी उतना ही रिलेटेबल लगेगा, उतना ही पसंद आएगा। सही अंदाजा लगाया भाई, पक्का चलेगा, बस थोड़ा ठीक से बना लेना। तो तुरंत मेकर्स ने अक्षय को अप्रोच कर लिया, अप्रोच ही नहीं किया साइनिंग अमाउंट भी दे दिया। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके चैनल पर्दे के पीछे, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर डालो। तो मैं ये बता रहा था, मेकर्स ने पहले अक्षय को अप्रोच किया, जब वो राजी हो गए उसके बाद में उन्हें हाथों हाथ साइनिंग अमाउंट भी पकड़ा दिया। अब इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस पे बहुत विवाद चला, बहुत चर्चा हुई, काफी टाइम तक इसके जो डायरेक्टर थे ना वो फिक्स ही नहीं हुए, लेकिन अभी मेकर्स ने डायरेक्टर ढूंढ लिया है। मैं आपको आगे बताऊंगा, तब तक आप सुनते जाओ। पहले अपडेट सुन के ये लग रहा था कि ये मतलब किसी को भी डायरेक्टर बना देंगे, किसी को भी फिल्म पकड़ा देंगे, जल्दी जल्दी बनाना चाह रहा है वैसे भी, और ये अंदेशा हमारा बिल्कुल सही निकला। तिरंगा जो है ना पुरानी वाली, उसके जो राइट्स है ना, कहानी के राइट्स उसके अलावा टाइटल के राइट्स दोनों मेहुल कुमार के पास में थे, पुरानी वाली के डायरेक्टर के पास में। उन्होंने टाइटल के राइट्स देने से मना कर दिया। अब जब नहीं दे रहा है तो टाइटल कुछ और होगा। मेहुल ने ये बोला है कि मेरे पास में फिल्म के राइट्स हैं और उसके अलावा मिशन तिरंगा नाम से एक और भी टाइटल है जो मैंने रजिस्टर करा रखा है, ताकि मैं खुद फिल्म बना पाऊँ उस पे। मेहुल से इंटरव्यू में ये बात पूछ ली कि वो राइट्स क्यों नहीं दे रहा है, तो उनका ये बोलना था कि भाई कुछ फिल्में होती ना वो हिस्टोरिकल होती हैं, उनको हाथ नहीं लगाया जाए ना तो ही बढ़िया बात होती है, उनका रीमेक करके उनको जब बिगाड़ा जाता है ना तो वो बहुत बुरा लगता है। ये बात मेहुल कुमार ने बोली पुरानी वाली के डायरेक्टर ने। मेरे दिल की बात बोल दी सर आपने। उन्होंने आगे भी बताया क्यों राइट्स नहीं दे रहा है वो। उन्होंने बोला कि पिछले वाले में नाना पाटेकर थे, राजकुमार साहब थे, जो नए एक्टर्स आएंगे वो जो लेजेंड्स थे, इतने बड़े एक्टर्स थे, इतने बढ़िया, उनके आगे थे ये कुछ भी नहीं लगने, तो कंपैरिजन भी होगा। सही बोलना, उनका कंपैरिजन तो होगा, पक्का होगा, क्योंकि ऑडियंस के लिए वो फिल्म कोई नई बात तो है नहीं है। 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे देखते रहते हैं उस फिल्म को, टीवी पे आती ही रहती है वो, तो पब्लिक क्योंकि बार बार उस फिल्म को देख रही है, इतना पसंद कर रही है वो टीवी पे, उसकी रिपीट वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा रखेगी। फिर उस पे खरा कैसे उतरेगा वो भी नया डायरेक्टर। पुरानी वाली जो तिरंगा थी ना उसको देख लो आप, उसकी स्टोरी कल्ट है, उसके डायलॉग्स देख लो, म्यूजिक देख लो, पब्लिक को रटा हुआ वो सब पुरानी फिल्म वाला। अब डायरेक्टर पे आ जाते हैं, एक संजय पूरन सिंह नाम से हैं, जिन्होंने 72 उरे नाम से फिल्म बनाई है, अगर आपने देखी हो तो। उनको लाइए डायरेक्शन कराने, डायरेक्टर भी मिला तो भी ऐसा। अक्षय कुमार को फ्लॉप कुमार ऑलरेडी बोला जा रहा है, और सुनने में आ रहा है कि डायरेक्टर का नाम उन्होंने सजेस्ट किया है। अभी तक तो मेरे को थोड़ी सी उम्मीद बन भी रही थी, फिर अक्षय कुमार का नाम सुन के लग रहा था चलो यार कुछ तो बनेगा ही अच्छा, फिर डायरेक्टर का नाम सुन के तो मेरा मतलब ये मान लो मूड खराब ही हो गया, मुझे इस फिल्म से कोई उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, वो अपनी बच रही है। आप तो ये मान के चलो एक और फिल्म की, एक अच्छी फिल्म की कुर्बानी हम देने जा रहे हैं, हम कुछ कर तो है नहीं सकते, बस तमाशा देख सकते हैं, बिगड़ती हुई फिल्मों को देख सकते हैं और एक दूसरे से दुख बांट सकते हैं। तो आप अपना दुख हमसे बांटो, कमेंट में आके बताओ आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो एक्साइटमेंट अब फील नहीं हो रहा, आपको हो रहा हो तो आप बताओ। अगर तिरंगा बनती है और अक्षय कुमार को लेके ही बनती है, तो आप ये बताओ कि इसकी ओपनिंग कितनी लगनी चाहिए कम से कम आपके हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।